सो हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो अभी मैंने, लगता है 2 4 दिन बाद, ऑलमोस्ट 4 डेज तो हो गए उसके बाद मैंने व्लॉग स्टार्ट करा। सो मुझे एक तो यहाँ पे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है, ड्यू टू माय क्लासेस टाइम नहीं मिल रहा है, और तो इस वजह से मैं व्लॉग नहीं बना पा रही हूँ। और यहाँ पे ना दिन भर कोई ना कोई आते रहता, और अब हमारे जाने का टाइम हो गया यहाँ से। सो अभी और लोग आ रहे हैं कि अब जा रहे हो, क्योंकि हम लोग ऑलमोस्ट 1 या 1.5 ईयर के बाद आए थे। सो उस वजह से, एंड हाँ, बहुत लोग मतलब क्या बोलता है, छोड़ो नहीं बोलता, उसके बारे में नहीं बोलते। एंड तो मुझे, हाँ वही था, क्लास वगैरह स्टार्ट था, उसके वजह से ही मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा, क्योंकि मुझे लिटरली अभी उस वाले फेज में आने में थोड़ा सा, जैसे मैंने पहले के व्लॉग्स में बोल रखा है कि अभी थोड़ा सा मुझे टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, बिकॉज़ अभी बाबू भी रहती है, बाबू तो मम्मी और बाकी लोगों के पास ज़्यादा रहती है, बट फिर भी, ओ माय गॉड, सो लाइट चला गया, मैं अंधेरे में ही ब्लॉग बुला रही, मम्मी जाओ। सो अभी लाइट चला गया, इसलिए इतना डीम लाइट हो गया। एक खोलो ना, एक पीछे से धक्का मार, वो जो है ना हाथ फंसा उसमें। इसमें हाँ अब खोलो, खुल जाएगा, खुला। सो लाइट चली गई, एंड थोड़ा सा बाबू, ऐसे थोड़ी ना है कि सबको ही ले जाए, तो मैं बिल्कुल भी नहीं लूँगी, मुझे भी लेना ही पड़ेगा। और दूसरा, हमारे यहाँ दुर्गा पूजा और छठ पूजा साथ साथ चल रहा था, और लिटरली आज मेरे साथ ऐसा हुआ ना कि जब धनवी के पापा बाहर गए हुए थे, तो मैंने बोल रखा था कि ये अगर आ जाएंगे तो मैं घाट पे इनके साथ जाऊंगी, बट ये आए और जस्ट चले गए। और फिर मुझे था कि मैं चली जाऊंगी, तो मेरा क्लास नहीं था जिस दिन, शाम वाला अर्थ था, और सडन फिर मुझे मैसेज आया कि आज क्लास है, तो मैं नहीं जा पाई, और सुबह मेरी नींद नहीं खुली, तो मैं अनफॉर्चुनेटली नहीं जा पाई। उसके लिए मुझे बहुत अजीब सा गिल्ट लग रहा है, एंड बस यही था, टाइम नहीं मिल पा रहा, मेन इश्यूज़ यही है, टाइम नहीं मिल पा रहा, बिकॉज मैं नहीं चाहती हूँ कि किसी भी तरीके से ये डिसअपॉइंट हो, बिकॉज बहुत बड़ी चीज़ है। सो आई डोंट वॉन्ट टू डिसअपॉइंट हिम, कि और बाकी लोग तो बहुत कुछ बोलते हैं, सो लेट देम बार्क, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता बाकियों से मुझे। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। सो आज है रामनवमी, और मैंने पहनी है ये वाली साड़ी, बहुत हिम्मत करके, क्योंकि बहुत गर्मी है। सो आप लोग बताना कि मेरी साड़ी मुझ पे कैसे लग रही है, क्योंकि यहाँ आके मैं बहुत ज़्यादा वेट गेन फिर से कर लिया है। ये रहा मेरा पूरा साड़ी, और ये मेरी शादी की साड़ी है। जैसा कि मैंने बताया था, मैंने सारी साड़ियाँ बैंगलोर से ली थी, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड उस टाइम पे बैंगलोर में रहती थी। और इसका ब्लाउज़ मेरा छूट भी गया, और लाती भी तो होता नहीं, तो मैंने दूसरा ब्लाउज़ पहन लिया। इसके साथ जा रहा है, कॉन्ट्रास्ट ही लग रहा है। मैं जा रही हूँ अभी छोटी दुर्गा स्थान, कोशिश करूँगी शूट करूँ। यहाँ पे मैं दुर्गा स्थान जाने के लिए निकल गई थी, और उस दिन काफ़ी काफ़ी ज़्यादा धूप था, काफ़ी ज़्यादा। और मैं काफ़ी टाइम के बाद, समझो तो, ऐसे पूजा करने के लिए जा रही थी दुर्गा स्थान, क्योंकि बहुत बहुत टाइम हो गया था यहाँ आए हुए, और मैं, मेरा रुकने का रीज़न भी यही था कि इतना दिन रुकी गई तो थोड़ा दिन और सही, कम से कम यहाँ रुक के यहाँ का दशहरा देखे, काफ़ी टाइम हो गया था। और ये थोड़ा बहुत डेकोरेशन था जो मैं आगे दिखाऊंगी बहुत अच्छे तरीके से, अभी तो दोपहर का टाइम था तो उतना नहीं अभी दिख रहा था, बट भीड़ तो बाप रे, इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना उस दिन, बहुत ज़्यादा। बट मेरा पूजा बहुत बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से हुआ, बहुत पीसफुली हो गया, वो बहुत मैटर करता है। एंड ये रही हमारी दुर्गा माता।
मैं इनको, इनफैक्ट मेरी पूरी फैमिली बहुत बहुत मानती हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम लोग कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं इस जो मंदिर का स्थापना था ये हमारे पूर्वज के द्वारा ही हुआ था। सो हम लोग के मन में, ये नहीं बोलूँगी कि सिर्फ मेरे मन में, मेरी पूरी फैमिली के मन में इनके प्रति बहुत बहुत आस्था है। सो अच्छा लगा, और ये मेरा, मैं तो यही बोलूँगी सौभाग्य था कि इस बार आई, रुक गई, पूजा पाठ हो गया, बहुत अच्छे से हो गया। और इतनी भीड़ थी ना कि मैं चिल्ला चिल्ला के लिटरली बोल रही थी, बट इन्हें मेरी बात सुनाई नहीं दे रही थी, समझ नहीं आ रही थी। बट कोई ना, मेरी पूजा पाठ अच्छे से हो गई और मेरा आना बहुत वर्थ था। अब मैं यहाँ से संतुष्ट मन से जाऊँगी कि चलो जो करने आई थी वो मैंने यहाँ आके किया। बहुत अच्छा लगा यहाँ रह के, यहाँ आके और यहाँ का दशहरा घूम के, तो मतलब मन ही खुश हो गया। क्या बोलूँ, मतलब जब आप अनमैरिड होते हो ना तो आप ये सब चीज़ का, अपने गांव का आपको उतना शायद वैल्यू नहीं समझ आता, बट जब आप किसी चीज़ से दूर होते हो ना तो आपको रियलाइज़ होने लगता है कि ये सारी चीज़ कितना ज़्यादा मैटर करता है लाइफ में। और मतलब एक अंदर से फील, मुझे पता नहीं क्यों, 4-5 महीने 6 महीने से मैं सोच रही थी मैं घर आऊँ, लेकिन ऐसे टाइम पे आई कि मेरा आना सच में वर्थ रहा। सो वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है हमारे लिए। एंड आजकल ना लोग अपने गांव से, अपने घर से दूर हो जा रहे हैं, बाहर कमाने चले जा रहे हैं, वो भी ज़रूरी है, लेकिन मैं ऐसा मानती हूँ कि एक घर गांव में होना चाहिए ताकि आप अपने जड़ से जुड़े हुए रहो, आपको अपना अस्तित्व पता रहे कि आप कहाँ से हो, कैसे जगह से हो, ताकि आप कभी भी कितने भी ऊँचाई पर क्यों ना चले जाओ, आपको कभी होता है ना कि आपको घमंड नहीं आएगा अगर आप अपने जड़ से जुड़े हुए रहोगे तो। सो वो चीज़ मैं मानती हूँ। और बहुत बहुत अच्छा लगा, बट हाँ मुझे डैडी की कमी थोड़ी महसूस हो जाती है ऐसा ऐसा टाइम पे, क्योंकि ऑब्वियसली डैडी तो डैडी थे भाई मेरे। एंड ये है रमंदा, जहाँ की कचौड़ी में खाती हूँ, बहुत टेस्टी कचौड़ी होती है उनकी, बहुत ज़्यादा। सो इन्जॉय करो मेरे व्लॉग्स। सो हे गाइस, अभी हो रहा है शाम का वक्त, ये सुबह का ही व्लॉग है, सुबह रामनवमी का ही व्लॉग है। सो अभी हम लोग जा रहे थोड़ा सा, यहाँ पे जो अगल बगल माता जी बैठी हैं दुर्गा, वो थोड़ा सा, और बहुत दिन हो गया दुर्गा पूजा घूमे भी नहीं है, भले ही ये आश्विन वाला उतना नहीं होता है, बट थोड़ा बहुत है तो चलो थोड़ा बहुत ही घूम आते हैं, और बाबू को भी घुमा देंगे। बट बाबू है मौसी के घर और वो अभी तक नहीं आई। अब वो आएगी तो उसको झटझट कपड़ा पहनाएंगे, तैयार क्या करना है बच्चे को, क्या ही तैयार करना है भाई। सो बस रेडी हो गया है, इधर मम्मी भी रेडी हो गई है, और हम लोग ना चाहते हुए भी ट्रेनिंग कर लेते हैं। सो हम लोग नहीं चाहते हुए भी ट्रेनिंग कर लेते हैं। सो अब देखो मौसी आती है तो, अदरवाइज आई एम ऑल रेडी। और मुझे अच्छा खासा सर्दी हो गया, अच्छा खासा सर्दी, सो देखती हूँ। और आप लोग बताना, मैं पूरी ड्रेस दिखाती हूँ आप लोगों को। ये है मेरा पूरा आउटफिट। सो ये सूट मैंने, सो ये रहा मेरा पूरा आउटफिट, एंड आई लव दिस सूट, मैंने फर्स्ट टाइम वेयर किया है। बस तैयार होके बैठी, अभी तक नहीं आई है यार, आधा घंटा हो गया। जब भी आप ग्रुप के साथ जाते हो तो आपको ग्रुप को लेके चलना है, अकेले नहीं जा सकते, लेकिन ये लोग इतना लेट कर देते हैं ना कि लगता है कि अकेले ही चल जाना चाहिए था। यहाँ पे हम लोग घूमने के लिए निकल गए थे, मैं, मम्मी, बउआ, और ये जो है ना, ये मेरे रेंटर की बेटी है। सो बहुत छोटी सी है, बहुत प्यारी सी है, पूरा टाइम लगी रहती है हम लोग के साथ। तो हम बोले चलो तुम भी चलो मेरे साथ घूम लेना,
और ये रहा मेरा छोटा सा गांव का छोटा सा डेकोरेशन। और मैं एज़ यूज़ुअल मौसी के साथ बैठी थी, बिकॉज़ मौसी और मैं थोड़ा अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं इसलिए। और ये थोड़ा बहुत मैंने बढ़िया बाजार को शूट कर लिया, बिकॉज़ जाऊंगी तो मुझे यही सब देख के थोड़ा लगता है, बिकॉज़ मुझे बढ़िया बहुत याद आता है क्योंकि मैंने अच्छा खासा टाइम यहाँ पे स्पेंड किया। और ये यहाँ का सब्ज़ी मंडी और यहाँ पे जो आप देख रहे हो ना, यहीं का ब्रेड पकौड़ा मेरे को बहुत 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 अच्छा लगता है। सो बढ़िया, तो मैं खाने पीने ही आती हूँ। और आप एक लाइन से बस देखते जाना, यहाँ पे सिर्फ आपको मिठाइयों की दुकान दिखेगी, सिर्फ और मिठाई का दुकान। मतलब बढ़िया का मिठाई तो फेमस है, सबको पता है, बट हर जगह यार, अगर हर जगह आपको दिखेगा तो आपको खाने का ही मन करेगा ना, आप कितना कंट्रोल करोगे। सो मैं यहाँ आके मोटी हो जाती हूँ तो उसमें मेरी क्या गलती, देखेगा तो खाने का मन करेगा ना, ऊपर से यहाँ की मिठाइयाँ सस्ती भी होती है। बस, और बढ़िया, मतलब लिटरली इतना बदल गया है कि मैं क्या ही बताऊँ। मैं खुद देख देख के शौक होते रहती हूँ। यहाँ पे एक भी झोपड़ी नहीं मिलता है देखने को, मतलब गांव गांव जैसा ही नहीं दिखता है, मतलब ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा एकदम डेवलप कर गया है। और यहाँ पे केक्स के शॉप, बिरयानी, पता नहीं क्या क्या, मतलब हर चीज़ यहाँ पे देखो, बिरयानी मिल रही है, यहाँ पे केक्स के अच्छे खासे शॉप्स हैं। और ये बढ़िया थाना, मतलब क्या बोलूँ यार, कि पुलिस स्टेशन इतना अच्छा बना दिया गया, ये पूरा टूटा हुआ था, पूरा टूटा हुआ, और इतना ज़्यादा सुंदर तरीके से इसको बना दिया गया। मैं तो बोल रही थी कि ये पुलिस स्टेशन तो लग ही नहीं रहा, तो सब बोल रहे हैं हाँ यहाँ पे ना सारे लोग आके घूम घूम के जाते हैं थोड़ा सा। और यहाँ पे मम्मी बता रही थी कि सिनेमा हॉल तो पूरा बंद हो गया, तो पता नहीं कैसा ही लग रहा है देखने में। और हम लोग इधर इंदूपुर के तरफ जा रहे थे, यहाँ पे भी एक एक मूर्ति बैठा था, तो हम लोग वहाँ पे जा रहे थे, तो थोड़ा बहुत मैंने वो भी शूट कर लिया। अच्छा लग रहा था यार घूम के, लग रहा था बचपन का याद ताज़ा हो रहा था। पहले तो डैडी घुमाने ले जाते थे या फिर दोस्तों के साथ घूमने जाते थे, तो आज बड़े हो गए हैं तो अब मम्मी पापा को घुमाते हैं हम लोग। यहाँ पे एक मूर्ति बैठे थे तो हम लोग वहाँ पे गए, दर्शन किए, दर्शन बहुत अच्छे से हुआ, बहुत अच्छा, बहुत सुकून, अच्छा लग रहा था सब कुछ। देख कहते ना कि वाइब भी बहुत अलग था, इतना सारा लाइफ में नेगेटिविटी होते रहता है, इतना सारा उल्टा सीधा चीज़ आपके डेली लाइफ में होता है, बट एक पीसफुल जगह अगर आप चले जाते हो ना तो लगता है कि चलो ठीक है, अब रिलैक्स है, अब जो भी मुश्किल आएगा उसको झेल लेंगे। ये ब्रेक मेरे लिए बहुत ज़रूरी था, इसीलिए मैं जब आने का बोली थी तो धनवी के पापा ने मुझे एक बार भी नहीं रोका। ये है यहाँ पे बाईपास वाला दुर्गा, वहाँ जो बैठे थे वो। और धनवी तो मतलब इतनी बदमाश लड़की है ना, मैं क्या बताऊँ, उसका बहुत बदमाश है। तो मैं फाइनली आ गई घर, आए हुए थोड़ा टाइम हुआ, एकदम वो बचपन वाला फील आ रहा था। मेला वेला घूम के, ज़्यादा जगह तो नहीं, दो तीन जगह यहाँ पे बैठे थे, बट बहुत अच्छा लगा। और आज मैं गई थी उधर से ही अपने एक फ्रेंड के घर, फिर तो जब से आई थी तब से सोच रही थी, तो गई नहीं थी उसके घर गई। मेरे को ना अपने फ्रेंड से, घर वालों से बहुत प्यार मिलता है, तो आंटी दीदी सब बहुत, तो वो मतलब रोक रहे थे, बट मैं ऑटो से थी और रिजर्व टोटो से थी, तो मैं रिज़र्व करके गई थी, तो उनको उनका भी कहीं और बुकिंग था, तो मतलब रुक नहीं रहे थे ज़्यादा देर, तो हम बस उसका नंबर लिया और चले आए। तो चांसेस है कि मैं कल उससे मिलूँ, चांसेस क्या है, मैं कल मिलूँगी ही उससे, तो मैं बोल के आई हूँ कि मैं घर पे ही हूँ और वो कल आएगी। और दीदी का बाबू भी हुआ तो उनसे भी मिला, बहुत अच्छा लगा मेरे को, बहुत अच्छा लगा। इन टोटल आज का दिन बहुत अच्छा था। मेरा बाबू तो भाई बाबू ही है, देख रहे हो, उनका बाबू अच्छा था, बहुत सीधा बच्चा था, बहुत सीधा बच्चा, इसके ऐसा आतंक नहीं था, तो आतंक बच्चा, आतंक बच्चा। तो मुझे बहुत तेज हेडक हो रहा है, अब मैं चली सोने थोड़ी देर में। मेरा क्या है ना, मैं अगर कुछ आई मतलब आँख में कुछ अगर कर लूँ ना, आई मेकअप वगैरह थोड़ा भी, तो मेरा आँख भारी भारी हो जाता है और मेरे को बहुत हेडक हो जाता है। नहीं मारो बता, नोची नोची सब को रुमाल मिल नहीं रहा, डर ही है, सबको डिटॉल से ली, वहाँ है रुमाल खिड़की पे। धर्मी नहीं करो बेटा,
जानवी ये पिटी पत्ती पिटी मामा पिटी पिटी कर दी पिटी कर दी और बाबू का दूध वगैरह भी खत्म था तो मैं वो भी गई लाने को, बट यहाँ पे मिलता नहीं है, बट पता नहीं कैसे एक दुकान में अब पता मैं खाना खाया हुआ पूरा मेरे पेट पे देखो कैसे कसरत कर रही, खाना ना खाया बेटा कर रही है ना पटना, तो उसको समझूंगा सब सारा शैतानियन निकालते हैं उसको पटना जाके और आज रामनवमी तो अब बहुत घर में ध्वजा भी गया था, मेरे घर में भी वहाँ होता है बट मैं या तो यहाँ आती, मैं वहाँ होती भी तो शायद नहीं जाती बिकॉज मुझे मैं बहुत टायर्ड हूँ लिटरली, मेरे से पता चल रहा है एनर्जी अच्छी मौत कर अभी तो छोटे बच्चे को पीट नहीं सकती पिटाने खाए पिटाई खाने वाले एक काम कर रही है लड़की। आज के पापा क्या बोलते हैं कि अभी छोटा बच्चा है अभी इसको अभी उसका बचपन एंजॉय करो, मारपीट नहीं करो इसके साथ, मारपीट करने लायक ही बच्चा है। तो शेयर करोगे आप लोग से। अब बाय।